पहले तो सैलेड देख लो, क्योंकि देखा है मैंने कि मिसो में सैलेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सैलेड सैलेड सैलेड, ये देखो, देखा ना, रश्मि का स्टोर। और ये मुझे पड़ा है टोटल 187 का, है ना, ये वाला कौन सा है, लिंक डाल दूँगा नीचे। कॉम्बो इलेक्ट्रिक स्मॉल साइज़ एडवांस क्वालिटी 8 पिन सर्ज प्रोटेक्टर, ठीक है ना, चिप क्वालिटी वाला। तो ऐसा अमेजोन से मंगाया था 200 का, थोड़ा उसका बड़ा वकील था। देखते हैं ये कैसे, ये रहा पैकेट, अभी जस्ट आया है। रश्मि जो भी था, रश्मि का स्टोर, वो आदमी का नाम यही आता है, कमलेश्वर प्रसाद चौधरी, चूँकि दिल्ली का है इसलिए हमको शिपिंग कम पड़ गया, हो सकता है बाहर तुमको शिपिंग ज़्यादा पड़े। हाँ ये लिखा है ना, रश्मि का स्टोर, D17 गली महिंद्रा पार्क, न्यू दिल्ली। कॉम्बो बोर्ड 1 साइज ऑर्डर आई डी फलती पचोली, खोते रहते हैं। बाहर से तो ठीक ही लग रहा है, देखते। अरे इतना महंगा देते हैं ना लोकल में ये सब चीज़ कि मत पूछो। घंटा नहीं, इसमें सर्ज प्रोटेक्टर हो, 100 रुपये का चीज़ में क्या सर्ज प्रोटेक्टर हो। मेन देखना था लेंथ ऑफ वायर, लेंथ कैसा है। किधर गया भाई तार, किधर गया, कितना झूठ बोला है वही देखना था। 2 मीटर लिखा था ना, अच्छा बड़ा तो है। ये हो गया 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के बाद है, 2 मीटर थोड़ा ज़्यादा ही है एक्चुअली। देखिए कैसा है, एकदम चीप प्लास्टिक, एकदम चीप गोल्ड प्लेटिंग, लेकिन देख के तो लग रहा है काम करेगा। 6 एम, 240 एम्पियर, नो रिप्लेस ऑफ यूज्ड सेट, और वो तो नहीं होगा। स्ट्रीम 5, ये सब में ना हैवी अप्लाइंस मत लगाने लग जाना, सब नॉर्मल के लिए, लैपटॉप चार्जर मोबाइल चार्जर, वो सब के लिए। पता है मज़ा नहीं आ रहा है, बता खोल के देखते हैं, लेकिन पहले दूसरे को देख लेते हैं, दूसरे में कुछ अंतर तो नहीं। दूसरा वाला ब्लैक वायर के साथ है, और इसको अगर खोलें, खुल जा सिम सिम, उसको अगर ना पे एक बार, उलझन सुलझन हैरी पॉटर में आता है ना, क्या था इंग्लिश में स्पेल ही नहीं याद, हिंदी में था उलझन सुलझन। अबे छुटिया छुटिया, बहुत गंदा दर्जी बनेंगे हम। 60, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1.5 मीटर। यहाँ लोकल में तो कोई ऐसा सीन ही नहीं। हाँ 150 थोड़ा ज़्यादा ही, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच एकदम नॉर्मल सा, अंदर पूरा घुस जाने वाला। अच्छा क्लोज अप थोड़ा दिखा देते हैं, ऐसे नहीं मज़ा आ रहा कुछ ना, इसमें लगा के देखते हैं। अच्छा ये काम काम कर रहा है कि नहीं, यही तो चेक किया ही नहीं। काम कर रहा है या नहीं, स्विच लगा दिया। अच्छा चलो लाइट भी काम कर रहा है ना, ये तुमको दिख रहा है ब्लिंक होते हुए, हमको नहीं दिख रहा, नहीं कैमरा की वजह से नॉर्मल है, जल रहा है। और क्या चेक करना था, रुको लेके आते हैं कुछ चेक करने के लिए। हाँ ये चेक करने के लिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा थोड़ा टाइट है लेकिन अच्छा ही है, टाइट है। अच्छा ये मोबाइल चार्जर से लग रहा है थोड़ा छोटा है, देखें मोबाइल चार्जर डाल के। ये है मोबाइल चार्जर, हाँ हल्का टाइट है लेकिन चला जाना है, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है। अरे बाप रे कितना अंतर है, लेकिन ऐसा चीप प्लास्टिक है ना कि लग रहा है ठीक है। हाँ चल चला तो जा रहा है, थोड़ा फोर्स लग रहा है। नीचे नीचे 3 पिन कुछ लगा के देखते हैं। लैपटॉप है, अच्छा मतलब ऐसा लगता है क्ले मिट्टी का मोल्ड है। चला तो गया, लाइन आया क्या, देखते हैं।
हाँ आ तो गया। और बाप रे, अरे बाप रे, बहुत टाइट। थोड़ा इसको ना खुद से ये करना पड़ेगा, लुब्रिकेशन को हटाना पड़ेगा। अच्छा इसे तो चेक कर सकते हैं। नीचे का 2 में लग रहा है कि नहीं है, देखा जरा, नहीं जल रहा है। अच्छा वो वाला उसका पॉइंट ही थोड़ा बहुत छोटा है। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा टाइट है, ऐसा लगभग ठीक ही है। वही बात है, 100 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये का बाहर जाओगे तो हमको लग रहा है 30-40 का तो तार ही पड़ जाएगा, 2 मीटर प्लग के साथ 30 रुपये तो उसी का पड़ जाएगा। ठीक है उस दिन यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। इसको क्या करना था, एक बार खोल के देखना था, देखें जरा खोल के क्या है इसमें। सही में फ्यू, हमको लग रहा है फ्यूज़ को जोड़ा भी नहीं है, हमको जैसा गेस करना है, कहे जोड़ेगा। मेक इन इंडिया ना, हर चीज़ पे चिपका दो, पर क्या ही जरूरत है, इतना सारा चाइना का माल भी नहीं होता है तो मेक इन इंडिया ही होगा। नहीं ऐसा लग रहा है तुरंत तुरंत सस्ता वाला मोल निकला है प्लास्टिक से, यहाँ आ गया। बाप रे हाथ दर्द करने लग गया इसको खोलने में, लेकिन बहुत टाइट है। ये एकदम अनयूजेबल वाला टाइप का है, अगर ठीक से देखोगे है ना, थोड़ा छेद वेद करके करना पड़ेगा, किसी तरह लटकेगा लेकिन लटक जाएगा, एकदम बढ़िया वाला तो नहीं है, लेकिन जो 200 वाला था वो भी ऐसा ही था। अच्छा देखो तार लगा तो नहीं है, चलो कम से कम रेसिस्टर लगाया है। कहाँ है फ्यूज़? अच्छा फ्यूज से निकला तो है कम से कम, एकदम पतला एक लाइन का वायर है, क्या ही फर्क पड़ता है अगर काम कर रहा है तो। इसमें गलती से वो मत लगा लेना, क्या कहते हैं उसको, आयरन हीटर कुछ भी लगा लगा दिया ना 500 वाट से ऊपर का, हमको लगता ही रहेगा तुरंत जल जाएगा सब अंदर। मोबाइल चार्जर के लिए, लैपटॉप चार्जर के लिए यूज़ करो बस, उससे ज़्यादा मत यूज़ करो, ज़्यादा लोड ना दो इस पर। ठीक है वे लग जा, अच्छा ठीक है। अब क्या देखोगे इसका, रेडी बॉक्सिंग कुछ दिन में डालता हूँ, देखते हैं कैसा चलता है, कुछ वैसा खराब होगा तो नया वीडियो डालेंगे, और नहीं ख़राब नहीं हुआ तो अब इसको दिमाग लगा के बंद करना होगा। कमेंट कर देंगे, कमेंट जरूर चेक करना, पिन कमेंट में डाल दूंगा कुछ इसमें चेंज होगा तो। ठीक है चलो, मैंने एक दूसरा वाला नहीं दिखाया, ये अमेजोन से लिया था है ना, है तो सेम चीज़ लेकिन ये थोड़ा उससे हैवी, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी है उसमें फ्यूज़, यहाँ पर फिलिप्स करके लिखा है, ये 200 का है वो 100 का है। इसमें ना क्या चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये देखो ये इसका वायर है, ये इसका वायर ना वोल्ट में, ये देखो दिखाता हूँ, इसमें देखो आराम से लग गया ठीक। और ये जो 100 रुपये वाला तुम्हारा है, इसको अगर लगाओ तो ये छोटे वाले में नहीं लग रहा, ये बड़े वाले में लग रहा है। तो इससे होता क्या है कि इस टाइप का अगर 3 पिन कनेक्टर है ना, तो इसमें ऊपर ना ये पूरा ढीला हो जाता है ठीक है ना, जबकि ये वाला अगर लगेगा इसमें तो ये पूरा एक्सटेंड होगा। ये पूरा टाइट हो गया, पुराना वाला हिलिक्स वाला 200 रुपये अमेजन वाला, और ये वाला अगर नीचे लगाओ तो ये गिर जाएगा। फिलहाल जुगाड़ करके डालते हैं,
इसलिए तब चारों तरफ मत डाल देना वरना कंडक्ट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। हाफ साइड में डाल देंगे। मोड़ो 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 कागज मोड़ो मोड़ो मोड़ो। जुगाड़ू समान है तो जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। ये घुस गया था, इतना ही इधर भी डालना है। ठीक है तो ये हो गया, थोड़ा सा इधर डालो, इधर से मोड़ो और थोड़ा सा इधर डाल लो। ओके अब इसको इधर लगा के दो। ऐसा ना कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो तो ये बढ़िया लग गया, फुल टाइट हो गया। लगा के देखते हैं लाइट आ भी रहा है कि नहीं। ज़्यादा लगा दिया लगता है, बहुत कागज चला गया। ये दूसरा लाइट है। अच्छा जिसको खोला नहीं है उसको ट्राई करें। ये ठीक है लगता है, उसका तार वार मैंने कुछ गड़बड़ा दिया, उसको जो खोला है वो फिर से लगाना पड़ेगा। ये तो आ गया ना। ये ठीक सर बड़ा इनकन्सिस्टेंसी, तो मतलब किसी किसी मॉडल में ये घुस जा रहा सके ऊपर वाले में और किसी में नीचे भी घुस जा रहा और किसी में घुस रहा। देखो इतना मेहनत किया उसमें करने के लिए जब ये वाला ठीक था। क्या भगवान, देखा लाइन आता है नहीं आता। ओके चलो ठीक है।